जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिसा द्वारा देर रात कार्रवाई की गई है। नागौर आबकारी दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नागौर सदर थाना क्षेत्र के माजरा गांव से अवैध नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां से भारी मात्रा में अवैध नकली शराब बरामद की गई है। जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिसा के नेतृत्व में इस कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बनाने के काम में ले जाने वाला स्प्रिट के साथ नकली शराब बनाने के काम में आने वाली अन्य सामग्री बरामद की। अवैध शराब फैक्ट्री में विदेशी और ढोला मारू दोनों तरह की नकली शराब की पैकिंग करके अवैध रूप से सप्लाई की जाती थी। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही फैक्ट्री संचालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। जिला आबकारी अधिकारी ने क्या जानकारी दी है, ये आपको सुनाते हैं। हाँ सर, बताइए इस कार्रवाई के बारे में। आज दिन में हमें अभी हमारा वैसे विशेष अभियान चल रहा है, कमिश्नर साहब की तरफ से विशेष निरोधात्मक अभियान चल रहा है। तो उसमें हमने आज हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गांव माजरा है, उस गांव माजरा में एक विजय और चूनाराम, वो अपने घर में जो है अवैध शराब का उसने पूरा कारखाना लगा रखा है। वो स्प्रिट लाता है और नकली शराब बनाता है, उसमें अंग्रेजी और देसी दोनों शराब बनाता है। तो उसकी हमारे जो CI बाबूलाल जी जलवानिया है, हमारे PO साहब ज्ञान सिंह जी है, इन सभी पूरी टीम के साथ हम लोग उसके वहाँ पे माजरा गांव पहुँचे और वहाँ वो मौके से हमें देख के फरार हो गया। लेकिन वहाँ मौके से हमने काफ़ी करीब 400 लीटर हमने स्प्रिट बरामद की है और एक पैकिंग मशीन है, ढक्कन है, लेबल है और 45 पेटियाँ करीब तैयार रॉयल स्टेक की नकली शराब की वो हमने बरामद किए और काफ़ी सारे और भी ढोला मारू और काफ़ी सारे ढक्कन है जो खाली बारदाना है वो बरामद किया। अभी इसमें हम आगे अब इसको गिरफ्तार करके ये कहाँ से लाता है, क्या करता है, इसके साथ एक कोई बंदा और है उसकी भी जानकारी मालूम करेंगे और फिर उसके बाद अनुसंधान में उसको भी लेंगे। सर, आरोपी को, फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार वगैरह? हाँ, वो मौके से हमें देख के फरार हो गया था तो अब उसको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।